नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ के थाना रावनापार क्षेत्र से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां से आपसी रंजिश के चलते अधेड़ के ऊपर मनबड़ों द्वारा गोबर फेंकने का मामला सामने आया है। उसी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और हाथापाई के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। पुत्र ने चार लोगों के खिलाफ हत्या करने की थाने में तहरीर दी है। तो वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये हत्या का मामला नहीं है। रात में कुछ लोग बुजुर्ग को गोबर लगा दिए थे, जैसे ही बुजुर्ग नल पर गोबर धोने के लिए गया उसी दौरान गिर जाने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये हत्या नहीं है। जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर क्षेत्राधिकारी और प्रभारी, थाना प्रभारी दोनों मौके पर तत्काल गए थे। वहाँ जो पता चला कि ये बुजुर्ग रात में कुछ गोबर उबर इनके लगा दिया था और ये अपना जो वहाँ पे नल है उस पर ये अपना धो रहे थे, वहीं फिसल गए। फिसलने के उपरांत इनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जा रही है। जो भी तहरीर दिए हैं उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत तत्काल किया गया है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।